नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनाव के नतीजों में जहां एक तरफ बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। लेकिन इन सब के बीच सपा के सांसद और दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी इतिहास रचा है। इस चुनाव में न सिर्फ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की, बल्कि एक रिकॉर्ड भी बनाया। दरअसल आजम खान 2 साल से जेल में बंद हैं, फिर भी उनकी और उनके परिवार की बादशाहत अभी भी कम नहीं हुई। ये बात यूपी में हुए विधानसभा चुनाव ने साबित कर दी है। सरकार भले ही बीजेपी की बन गई हो, लेकिन आजम खान ने जिले में सबसे ज्यादा वोट हासिल कर इतिहास रचा है। विधानसभा चुनाव में इससे पहले कभी इतने वोट किसी प्रत्याशी को नहीं मिले। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जीत का बड़ा अंतर कायम करने में रिकॉर्ड बनाया है। अब्दुल्ला स्वार टांडा से SP-RLD गठबंधन के प्रत्याशी थे। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान रामपुर सदर से चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में पिता पुत्र ने जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक विरासत को कायम रखा है। रामपुर सदर में सांसद आजम खान को 1,30,649 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले रहे बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को 75,411 वोट मिले। इस तरह आजम खान ने जिले में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इस बार 1,26,162 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले खड़े बीजेपी अपना दल प्रत्याशी हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को 65,059 वोट मिले। इस तरह अब्दुल्ला 61,103 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। वो जिले में सबसे ज्यादा अंतर से विजयी रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।